हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। दैट मींस यहां पर हमें ये एक पॉलीनोमियल दिया गया है। पॉलीनोमियल को हम लिख लेते हैं px की फॉर्म में। px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। px का मतलब है p for polynomial and x मतलब ये polynomial x variable को यूज करके बनाया गया है, तो हमने इसको लिखा px। Now firstly, first part में आपको दिया गया है कि x is equal to 0, then at x is equal to 0, t 0 is equal to, that means आप इस पूरी की पूरी equation में x जहां जहां पर भी है उस जगह 0 लिख दीजिए। तो यहां पर हो जाता है p 0, यहां पर होगा 5 × 0 - 4 × 0² + 3, that means ये भी 0, ये भी 0 और यहां पर बचा है 3, तो value आई 3। तो यहां पर हमने value ही पूछी गई थी, तो ये हमारी value है p 0, that means at x is equal to 0, आपकी polynomial की value आती है 3, this is your answer. Now यहाँ पर x is equal to -1, then p minus 1 is equal to 5 × -1, -4 × -1² + 3, that means -5, -4, क्योंकि -1 का square is +1, तो यहाँ पर रह जाता है -4 and यहाँ पर +3, तो -9 + 3, that means -6, this is your answer, that means p minus 1 की value आती है -6। यहाँ पर x is equal to 2 है, तो आपको निकालना है p 2, that means 5 × 2 - 4 × 2² + 3, तो यहाँ पर हो जाता है 5 × 2 = 10 and 4 × 4 + 3, that means 10 - 16 + 3, 10 + 3 = 13 - 16, and this is -3, this is your answer. तो इस तरह से आपसे जब भी ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पर आपके पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या है, तो आप उस वैल्यू को अपने पॉलीनोमियल में पुट कर देते हैं, फिर जो वैल्यू निकल के आती है वही आपके पॉलीनोमियल की वैल्यू होती है उस पॉइंट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।